नमस्कार सभी क्रिकेट प्रेमियों को, हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपको सिखाएंगे, बहुत लोग की दिली इच्छा होती है कि अगर कहीं कमेंट्री चल रही होती है, क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो कमेंट्री होती है, तो उनको लगता है हम भी कैसे सीखे और हम भी करें। तो आज हम सिखाएंगे आपको इंग्लिश कमेंट्री कैसे करते हैं। हिंदी कमेंट्री तो जैसे भारत की राजभाषा है हिंदी, तो सबको आती है। तो आज हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप इंग्लिश कमेंट्री कैसे सीखें हिंदी शब्दों से, ठीक है। तो उनके लिए कुछ क्रिकेट के अलग से टर्म होती है, उनका स्पेशल शब्द यूज करना होता है, तो आप यूज करना हम आज आपको सिखाएंगे। तो जैसे ये देखिए क्रिकेट के ग्राउंड है, ये तो आपको सबको इनके साइड सबको पता होंगे, जो खेलते होंगे देखते होंगे, नहीं पता होंगे तो आप एक बार पता करने की कोशिश करिए। आज हम आपको छोटे सी वीडियो में बताएंगे कैसे क्रिकेट की कमेंट्री को करते हैं, ठीक है। तो कप्तान, कप्तान को क्या बोलते हैं? स्कीपर। वैसे तो कैप्टन बोलते हैं लेकिन स्कीपर यूज करते हैं इंग्लिश कमेंट्री में, ठीक है। पहली कामयाबी, ब्रेक थ्रू, जैसे बोलते हैं ना भुवनेश्वर कुमार ब्रेक थ्रू, फर्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू मतलब पहली कामयाबी। बॉल उठाना, पिकअप द बॉल, मतलब बॉल अगर जा रही है तो पिकअप द बॉल, द फील्डर पिकअप द बॉल एंड थ्रो इन टू द विकेट, ओके। धीरे से धकेलना, पुश जेंटली, ये क्या हुआ पुश जेंटली, मतलब अगर बॉल आई सामने से बॉलर ने फेंका तो आराम से धकेल दिया, पुश जेंटली। और धीरे से मारना, धीरे से मारने को क्या बोलते हैं? फ्लिक। कभी कभी आप लोगों ने इंग्लिश कमेंट्री सुना होगा, फ्लिक कर दिया है, फ्लिक कर दिया मतलब हल्के से मार दिया, रोहित शर्मा फ्लिक इनटू द लेग साइड, विराट कोहली फ्लिक इनटू द ऑफ स्टेट। तो इस तरह से फ्लिक करना, धीरे से तेज मारना, अगर वही चीज तेज से मारी जाए, कोई बॉल आए इसको तेज से मारा, तमाचा दे दिया, बोलते हैं ना स्मैश हार्ड, महेंद्र सिंह धोनी स्मैश हार्ड द बॉल गोज इनटू द बाउंड्री। और हाँ, एक बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश कमेंट्री में कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही हमेशा लगेगा, चाहे जो भी हो, मतलब ज़्यादा मोस्टली 99% प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही यूज करना है, ना कि कोई और टेंस। और वो उसके बारे में अगर क्यों यूज होता है बाद में हम कभी बताएंगे, आप इतना याद रखें, ग्रामर का कोई टेंशन नहीं, कुछ भी आप बोलते रहिए, बस फ्लो में बोलना चाहिए। तो इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कहीं कमेंट्री करना है आप, तो पहले हिंदी से कमेंट्री शुरू करेंगे, ठीक। उसके बाद ये धीरे धीरे इन शब्दों को आप वहाँ हिंदी कमेंट्री में यूज करिए, उसके बाद आप जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप पूरा अंग्रेजी में कमेंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा रहेगा, लोग आपकी बहुत ही सराहना करेंगे और आप खुद आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो बाल को जाने देना, लेट द बाल गो, बोलते हैं जैसे बॉल आई और जाने दिया, लेट द बाल गो इनटू द विकेट कीपर, जबरदस्त दबाव। ये आपने रवि शास्त्री जी के कमेंट्री में आपने सुना होगा, जबरदस्त दबाव को क्या बोलते हैं, यूज करती हूँ, ट्रेमेंडस प्रेशर, ठीक, ट्रेमेंडस प्रेशर। कभी कभी यूज होता है कि कोई बैट्समैन क्रीज पे रन नहीं बन रहे तो बोलते हैं बोथ द बैट्समैन आर फेसिंग वेरी ट्रेमेंडस प्रेशर, तो इस तरह से ट्रेमेंडस प्रेशर, जबरदस्त दबाव। दर्शनीय कैच, ये बहुत ही स्पेक्टाकुलस कैच, ये वर्ड होता है स्पेक्टाकुलस, बोलते हैं ना कि बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही दर्शनीय कैच, ये आपको देखने को मिलता हुआ हार्दिक पांड्या जब फील्डिंग करते हुए, तो अक्सर यूज होता है कमेंट्री में, स्पेक्टाकुलर कैच टेकन बाय द हार्दिक पांड्या, तो स्पेक्टाकुलर। एक दो ओवर या फिर विकेट, कप्पा लाप ओवर या विकेट, बोले ना एक दो ओवर की बात है, एक दो ओवर या फिर एक दो विकेट मिल जाए तो बात बन सकती है भारत की, मतलब या फिर किसी भी कंट्री की कंडीशन, एक कपल आप ओवर, एक कपल आप विकेट, एक कपल आप ओवर कैन चेंज द मैच, एक कपल आप विकेट कैन चेंज द मैच, ओके। तो अब बॉलर द्वारा कैच पकड़ना था, गॉट इट या फिर काट इट, काट इट। कभी कभी बोलते हैं ना अचानक से आप कहीं दूसरी तरफ देखते रहते हैं, अचानक से क्या हुआ, बॉल फेंका उसे मारा और बॉलर नहीं पकड़ लिया, तो खूब तेज थी कमेंट्री वाला बोलता है गॉट इट गॉट इट, मतलब आपको समझ में नहीं आता हुआ क्या, बॉलर को समझ आएगा ना बैट्समैन को, तो बॉलर द्वारा कैच जब पकड़ा जाता है तो हमेशा गॉट इट या फिर गॉट इट बोला जाता है, ठीक, मतलब
गोटी आ गया, कैट मतलब पकड़ लिया, टॉस उड़ाना, टॉस दिखाई बोलते हैं ना, जब मैच शुरू होता है उसके पहले टॉस होता है कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन पहले फील्डिंग करेगा, उसके पहले टॉस होता है, बोलते टॉस उड़ाना, विराट कोहली टॉस दी कॉइन ऐसा बोलते हैं टॉस को, गिल्लियाँ भी खेलने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉमन यूज नहीं होता अपने कमेंट्री में, तो ये हम बोलाएंगे डिसलॉज, डिसलॉज द बेल, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, आप हमेशा यूज करिएगा, यूज में करते करते आपके प्रैक्टिस में डिसलॉज द बेल, मतलब गिल्लियाँ भी खेलना। मान लीजिए एक कंडीशन आपको बताते हैं कि एक रन लेने के लिए दो बैट्समैन भागे, विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी उधर से थ्रो आया, और थोड़ा सा क्रीज के पहले ही जब पहुंचने वाला था बल्लेबाज, तो महेंद्र सिंह धोनी ने गिल्लियाँ भी खेली, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि बोथ द बैट्समैन रनिंग बिटवीन द विकेट, बट महेंद्र सिंह धोनी डिसलॉज द बेल एंड द डिसीजन गोज टू थर्ड अंपायर, डिसलॉज द बेल, डिसलॉज द बेल, गिल्लियों को अलग करना, फिर गिल्लियाँ भी खेलना, हवा में मारना है उठाना, लॉफ्ट इन द एयर, बोलते ना महेंद्र सिंह धोनी लॉफ्टेड इन टू द एयर, द प्लेयर इज अंडर द बॉल एंड दस्ट मिस्ड आई ड्रॉप्ड इट, बोलते हैं मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी लॉफ्टेड इन टू द एयर, लॉफ्टेड इन एयर मतलब हवा में मारा, नीचे जो फील्डर है उसने कैच छोड़ दिया, नो मैंस अरे नो मैंस लैंड शब्द एक यूज होता है, नो मैंस लैंड मतलब खाली जगह, ऐसी जगह पे शॉट का गिरना जहाँ पे कोई क्षेत्र अच्छा क्या फील्डर नहीं होता है, ठीक है, नो मैंस बेहतरीन क्षेत्र अच्छा, ये बहुत ही देख रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, ये बहुत बार आपने कमेंट्री में सुना होगा, आप जब मैच चलते रहते हैं उसमें इंग्लिश कमेंट्री को बहुत लोग स्किप कर देते हैं, बोलते जब हिंदी आएगा तब हम देखेंगे, ऐसा नहीं किया करिए, आप इंग्लिश कमेंट्री को सुने तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हिंदी से ज़्यादा इसमें मज़ा आता है, तो बेहतरीन क्षेत्र अच्छा ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, आप जडेजा को जब फील्डिंग करते हुए देखेंगे तो अक्सर कमेंट्रेटर ये यूज करते हैं कि जडेजा सो हिज ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, मतलब बेहतरीन क्षेत्र अच्छा, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं विकेट का गिरना, विकेट का गिरना फाल डाउन बोलते हैं ना, फाल डाउन मतलब विकेट का गिरना, फाल मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे होता है, तो विकेट का गिरना फाल डाउन, खाता खोलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जब कोई बैट्समैन जाता है वहाँ पे बल्लेबाजी करने तो पहला रन जो बनाता है मतलब, तो ऐसे तो लोग ही यूज करते हैं ओपन हिज अकाउंट, ये अच्छा थोड़ा नहीं लगता, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्यारा वर्ड ऑफ द मार्क, जैसे विराट कोहली ऑफ द मार्क विद द सिंगर, रोहित शर्मा ऑफ द मार्क विद द बाउंड्री, तो ऐसे यूज करते हैं खाता खोलने के लिए, उभरता खिलाड़ी, ये तो आपको सबको पता है, इमर्जिंग प्लेयर, जो ऐसा खिलाड़ी होता है कि जो मतलब अभी नया नया आया है, उभर रहा है, अच्छे रन बना रहा है, अच्छी बल्लेबाजी या फिर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो उभरता खिलाड़ी, जैसे नए नए इंडिया में यंग आ गए, जैसे अरे तो जैसे हो गए ऋषभ पंत हो गए, अपना श्रेयस अय्यर हो गए, ये सब इमर्जिंग प्लेयर है इंडिया टीम के लिए, विश्वसनीय जी, ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट शब्द है, तो इस कन्विंसिंग विक्ट्री, ठीक है, विश्वसनीय जीत, या फिर जैसे विश्वसनीय प्रहार बोलते हैं, मतलब कभी कभी होता है ना कि भारत ज़्यादा ही डोमिनेट करता हो किसी मतलब कंट्री के टीम से, फिर कोई भी कंट्री दूसरे वाली कंट्री से डोमिनेटिंग हो, तो बोलते हैं कि विश्वसनीय जीत, ये हमारी विश्वसनीय जीत, जब अक्सर देखते हैं मैच खत्म होने के बाद कैप्टन्स लोग बोलते हैं